दोस्तों स्वागत है आपके पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण जो है हर जिले में स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 से 2 दिन के भीतर, और बहुत सारे जिलों में इसका वितरण जो स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पाओगे, यहाँ पे संभल जिले की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में आपको 2 मुख्य जिलों के बारे में अपडेट देने वाले हैं जिसमें वितरण किया जाना है आज और कल के बीच, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली यानी कि हर रोज आपको जिन भी जिलों में वितरण किया जाना है उसके पहले आपको 1 दिन 2 दिन पहले आपको मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। तो आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पाओगे संभल जिले की तरफ से अपडेट है, छात्रों को इस तरीके का मैसेज भी प्राप्त हो चुका है और वहाँ पे वितरण भी किया गया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पाओगे संभल जिले की अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे 5,500 स्मार्टफोन पहुंचे हैं, यानी कि बारी बारी से सभी जिलों में टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है। और यहाँ पे संभल जिले के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मुरादाबाद जिले की अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाओगे टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण जो जल्दी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कब से किया जाएगा इसको लेकर के अभी असमंजस बना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पाओगे मुरादाबाद में करीब 21,000 मेधावी को टैबलेट व स्मार्टफोन जो वितरण किया जाएगा चुनाव पहले, यानी कि चुनाव से पहले ही इसका वितरण जो किया जाना था, लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग की वजह से यहाँ पे वितरण को टाल दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा, तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे कि किस दिन वितरण किया जाएगा। तो चैनल पे आप फिलहाल बने रहिएगा और आप किस जिले से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पाओगे अभ्युदय योजना वाले छात्रों के लिए भी अपडेट है कि यहाँ पे देख पाओगे कि 14 और 15 के बीच यहाँ पे शाम IAS और PC पूर्व परीक्षा के केंद्र पर उपस्थित होना है, और यहाँ पे देख पाओगे अपनी आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का दोस्तों अपडेट थी, और जो भी अपडेट आती रहेगी आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस जिले से हैं, ठीक है। तो टैबलेट से संबंधित अन्य जिलों की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट जाके देखिए।